जा रही है बैठक। बूचा से पहले होस्टोमेल ऐसा शहर था जिस पर रूस की सेनाओं ने सबसे पहले हमला बोला था। मिसाइल बहुत सारी आपको इस इलाके में दिखाई देंगी। इस बम के गिरने के बाद इसकी वेव से आसपास की जो खिड़कियां हैं, जो शीशे हैं, देखिए किस तरह से टूट गए। एंटोनोव 225 मरिया विमान है जिसे दो टुकड़े में कर दिया है रूसी सेना ने। सबसे पहले इसी विमान पर हमला किया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। बात करने जा रहे हैं पुतिन की किलर स्क्वाड की, रूस का ऐसा शैतान रेजिमेंट जिसे दुनिया पुतिन की अदृश्य सेना के नाम से जानती है। ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी के मुताबिक इन सैनिकों की तादाद 1000 से भी ज्यादा है। पुतिन की किलर स्क्वाड अब यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। साए की तरह आते कहर बनकर टूटते। सन्न से गायब हो जाते। पुतिन के वो हंटर्स हैं जिनको रूस के दुश्मन देश जल्लाद करार देते हैं। रूस के हर डर्टी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना इनका काम होता है। इन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अदृश्य सेना कहा जाता है। ऐसी सेना जो किसी को दिखाई नहीं देती, चोरी छिपे धावा बोलती है, अपने टास्क पूरा करती है और पलक झपकते ही गुम हो जाती है। इस खास ग्रुप के सैनिक पुतिन के ऐसे वफादार कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। टास्क चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में इनकी मौजूदगी के सबूत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने ऐसे 1000 से ज्यादा खूंखार लड़ाकों को यूक्रेन में दाखिल कराया है। सबूत नंबर 1। सबूत नंबर 2, जिस तस्वीर को तैनाती का सबूत बताया जा रहा है उसमें सैनिक की वर्दी पर जो लोगो लगा है वो वैगनर ग्रुप का है। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। ये AK-15 राइफल थामे हुए है। AK-15 राइफल का इस्तेमाल रूस की स्पेशल फोर्स करती है। ये लड़ाका रेडिसन पार्क इन होटल के सामने खड़ा है जो यूक्रेन के डोनेस्क में है। दावा है कि यूक्रेन में ऐसे 1000 से ज्यादा लड़ाके घुस गए। डोनेस्क में वैगनर ग्रुप की तैनाती यूक्रेन युद्ध की तस्वीर बदल सकती है। यूक्रेन में वैगनर ग्रुप की मौजूदगी का मतलब रूस ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने पूरे यूरोप और अमेरिका में खलबली मचा दी। दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में बुचा से भी बड़ी तबाही लाने के लिए वैगनर ग्रुप को हरी झंडी दिखा दी है। दावे के मुताबिक जंग में यूक्रेन के सैनिकों को धूल चटाने के लिए पुतिन ने अपनी प्राइवेट आर्मी को
खुली छूट दे दी है। तो पुतिन के किलर स्क्वाड तो एक्शन के लिए पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यूक्रेन में एक बार फिर नरसंहार पार्टी 2 होने वाली है। वैगनर ग्रुप रूस में प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की एक सीक्रेट एजेंसी है। रूस में से प्राइवेट मिलिट्री कंपनी कहा जाता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल भी निजी मतलब के लिए नहीं है। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने से पहले ही पुतिन ने वैगनर ग्रुप को यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने के ऑर्डर पर साइन किया था। यूक्रेन युद्ध के पहले वैगनर ग्रुप अफ्रीका में तैनात था। पुतिन के एक इशारे पर वैगनर ग्रुप अफ्रीका से सीधा यूक्रेन की सीमा की ओर चल पड़ा और 24 फरवरी को जब रूस ने तीन तरफ से यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी उनमें शामिल रही। बेलारूस के रास्ते रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। हमले में रूस की सेना के साथ साथ चेचन के लड़ाके और वैगनर ग्रुप भी शामिल हुआ था। बेलारूस से कीव की तरफ आगे बढ़ रही रूस की सेना ने होस्टोमल एयरपोर्ट पर भारी तबाही मचाई। होस्टोमल एयरपोर्ट को रेड आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन कब्जा जमाने के लिए कितनी भीषण जंग हुई है इसे न्यूज 18 इंडिया संवाददाता अरुण सिंह की इस ऑन द स्पॉट रिपोर्ट से समझ सकते हैं। देखिए, ये मंजर जो है वो दर्शकों को देखना जरूरी है कि किस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान यानी सामान ढोने वाला दुनिया का सबसे बड़ा विमान जिसको एंटोनोव AN-225 मरिया कहते थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये होस्टोमेल एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के हैंगर में ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान जिसे यूक्रेन अपनी शान कहता था, फख्र से कहता था यूक्रेन की, इतना बड़ा विमान किसी ने कभी बनाया नहीं है, वो विमान आपको दिखाई दे रहा है। विजय कमल देव, जल्दी से आइए नज़दीक और दिखाइए कि किस तरह से ये विमान पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। कितना बड़ा विमान है, अगर हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे तो ये कई मीटर का विमान है। इसकी विंग ही देखिए आप, लगभग 100 से 125 फुट की इसकी विंग ही है। और दूसरी तरफ ये विमान का अगला हिस्सा है जिसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। इस हिस्से में पायलट बैठा करते थे, लेकिन ये हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा देखिए। रूस ने टैंक से, गोले से, बम बारूद से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है इस एंटोनोव 225 जो इसका दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान है। होस्टोमेल एयरपोर्ट की जंग में यूक्रेन की सेना ने रूस का कड़ा मुकाबला किया था। रूस के दर्जनों टैंकों को तबाह कर दिया था, बख्तरबंद गाड़ियों को निशाने पर लिया था। यहाँ उन्होंने पहले कब्जा किया, यहाँ पर उन्होंने बेस बनाया, यहाँ पर उन्होंने अपनी आर्मर्ड व्हीकल को उतारे, यहाँ पर उन्होंने अपने टैंक उतारे, यहाँ पर अपने साजो सामान उतारे, यहाँ पर उन्होंने रसद उतारी। इस पूरे हवाई अड्डे को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। और कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ये देखिए एक टैंक और भी है यहाँ पर। ये टैंक देखिए, ये भी पूरी तरह से खत्म हो गया है, जल गया है। इसके अलावा वी जो साइन होता है, वी साइन जो होता है वो रूस के टैंकों का साइन होता है। तो एक और टैंक दिखा रहा हूँ इधर, आप जिधर भी आप देखेंगे आपको चारों तरफ टैंक ही टैंक नजर आएंगे। इस लड़ाई में वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी शामिल थे। कई दिनों की जंग के बाद होस्टोमेल एयरपोर्ट पर रूस की सेना ने अपना कब्जा जमा लिया था। कब्जे की लड़ाई में भी रेड आर्मी के साथ पुतिन की प्राइवेट आर्मी ने बराबर का हिस्सा लिया। रूस के लड़ाके अब वहां से वापस लौट गए, लेकिन अपने पीछे पूरे इलाके में सैकड़ों जिंदा बम छोड़ गए। संभल संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि लाइव गोले, देखिए ये छोटे 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 एमुनिशन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, छोटे से लेके बड़ा तक, ये देखिए टैंक के छोटे छोटे छर्रे जिनको कहते हैं हिंदुस्तान में, वो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किन गोलों से बर्बाद है। देखिए ये छोटी कार्ट्रिज आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर भी, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि किन बड़े गोलों से। अब छोटी मिसाइल्स जो होती हैं या छोटे रॉकेट होते हैं उनके देखिए ये मलबे हैं, वो यहाँ पर फटे हैं। बहुत बुरी तरह से इस विमान को बर्बाद किया गया है। आपको दिखा रहा हूँ मैं कैसे बर्बाद किया गया। बहुत सारे ऐसे गोले हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी फटी नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पर संभल संभल के चलने के लिए कहा जा रहा है हमें। और
सीधारों के स्वागत की बड़ी खबर की तरफ करेंगे लगातार। जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, इस बीच बड़ी खबर यूक्रेन से युद्ध पर रूस की सफाई यहां पर सामने आई है। आम नागरिकों की मदद करने का दावा देखिए किस तरह से किया जा रहा है। दरअसल नरसंहार के आरोपों पर रूस ने अपनी ये सफाई पेश की। रूसी सेना का दावा है कि उस पर लगाए जा रहे नरसंहार के ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। सिरे से खारिज यहां पर रूसी सेना ने इन आरोपों को किया। रूसी सेना ने यह भी दावा किया कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं, जिन लोगों को मदद की जरूरत है रूसी सेना उनकी मदद कर रही है और नरसंहार के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। जो भी नरसंहार की तस्वीरें यहां पर सामने आ रही है वो सरासर गलत है, सरासर झूठ है। ये रूस की सेना की तरफ से, रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है। बल्कि इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि हम आम नागरिकों की मदद कर रहे हैं, लोगों को बचाने में मदद करने का दावा यहां पर किया जा रहा है रूसी सेना की तरफ से। और लोगों की जान लेने का जो आरोप हम पर लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है। रूसी सेना की ये सफाई यहां पर सामने आई है। और इसी के साथ पुतिन की किलर स्क्वाड का नाम क्या है, ये कैसे काम करता है, वो कौन है जिसका ऑर्डर फॉलो करता है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मुताबिक 1.25 महीने के युद्ध के बाद पुतिन ने वैगनर ग्रुप को अब उत्तर से हटाकर दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में तैनात कर दिया, खासकर डोनेस्क इलाके में, जहां रूस की सेना के साथ मिलकर वैगनर ग्रुप के लड़ाके बुचा पार्ट 2 को अंजाम दे सकते हैं। वैगनर ग्रुप को रूस की सेना ने ही तैयार किया है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद सिर्फ एक है, व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर को जमीन पर लागू करना, फिर चाहे उसके लिए लोगों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। वैगनर ग्रुप पूरी तरह से रूस की सरकार के इशारे पर चलता है। इस ग्रुप के ज्यादातर लड़ाके रूस की सेना के रिटायर हो चुके फौजी ही हैं। वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा बेस या कहें कि ट्रेनिंग सेंटर पश्चिमी रूस के मॉकिन में। मॉकिन में रूस का मिलिट्री बेस है और उसके काफी करीब वैगनर बेस है। रूस का मॉकिन क्राइमिया से भी नजदीक है और यूक्रेन से भी। क्राइमिया पर रूस ने जब कब्जा जमाया था उस जंग में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने खूब खून खराबा किया था। वैगनर ग्रुप का टॉप कमांडर और संस्थापक दिमित्री उत्किन रूस के मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी जीआरयू की स्पेशल फोर्सेस में लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुका है। वैगनर ग्रुप का मालिकाना हक पुतिन ने अपने खासम खास को सौंपा है। पुतिन के इस खासम खास को रूस में उनके शेफ के नाम से भी जाना जाता है। नाम है येवगिनी प्रिगोजन। येवगिनी प्रिगोजन वैगनर ग्रुप के मालिक हैं। येवगिनी प्रिगोजन को रूस में पुतिन का शेफ के नाम से जाना जाता है। लेकिन येवगिनी प्रिगोजन के कंधों पर सबसे अहम जिम्मेदारी पुतिन की प्राइवेट सेना की। पुतिन के किराए के सैनिक खूंखार सैनिकों की एक ऐसी फौज है जो नियम कायदे नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की भाषा समझती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है, मतलब भारतीय रुपयों में लगभग 10 लाख रुपए के बराबर। पुतिन की प्राइवेट सेना उनके इशारे पर कई देशों में अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करती है, लेकिन रूस इससे पल्ला झाड़ता रहा है। वो अपनी प्राइवेट सेना के वजूद को नहीं मानता, लेकिन यूरोपियन यूनियन रूस की प्राइवेट सेना वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध लगा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस में भी वैगनर ग्रुप पर हिंसा के आरोप लगते रहे हैं। वजह है वैगनर ग्रुप का इंटरनेशनल धंधा। पुतिन की प्राइवेट आर्मी की सेवा यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है। वैगनर ग्रुप के सैनिक फिलहाल मध्य अफ्रीकी देश CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मोर्चा संभाले हुए हैं। हाल ही में हुई एक जांच में सामने आया कि रूस ने अपने पड़ोसी बेलारूस में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वैगनर ग्रुप के 200 से ज्यादा प्राइवेट सैनिक भेजे थे। इतना ही नहीं, रूस ने सीरिया में भी किराए के इन सैनिकों को छोड़ा हुआ है। वैगनर ग्रुप जिस भी देश में जाता है अपने काम के लिए तगड़े पैसे वसूल करता है। दावा तो यहां तक है कि रूस के इन किराए के सैनिकों ने IS के आतंकियों से सीरिया के गैस और तेल के कुओं से कब्जा छुड़ाने की एवज में तेल के कुछ कुएं ही रख लिए थे और अब दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में खून बहाने के लिए डोनेस्क में डटे हुए।
और आज शाम 7:30 बजे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की एक बेहद खास बैठक होने वाली है और इस बैठक का मकसद रूस को यूएनएचआरसी से बाहर करना है, यानी कि बाहर का रास्ता दिखाना है। रूस पर दरअसल आरोप है कि यूक्रेन के बूचा में उसकी सेना ने आम नागरिकों को मारा, बेरहमी से कत्लेआम किया। पुतिन पर आरोप है कि उसके ऑर्डर से बूचा में उनकी सेना ने भयंकर नरसंहार को अंजाम दिया और इस नरसंहार का मास्टरमाइंड आखिर कौन है, इस रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। Яких бивали пострілом по потилицю або в око після катувань, яких розстрілювали просто на вулицях, яких кидали в колодці. Лайн ме кхадакар голі марти. Канпати пар बंदूक से धाएं धाएं। रेप, नरसंहार, बुचा का ब्लैक चैप्टर। क्या चेचन लड़ाके बन गए किलर मशीन? किस कमांडर ने दिया मर्डर का फरमान? बेसमेंट में किसने बनाया टॉर्चर रूम? पूछा नरसंहार का जिम्मेदार कौन? बुचा की जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को विचलित कर रखा है, उसे क्या चेचन के हैवान हंटर्स ने अंजाम दिया है? बुचा के खौफनाक मंजर को देखकर यहां पसरे मौत के सन्नाटे ने दुनिया को आईएसआईएस के किलर ब्रिगेड की याद दिला दी है। दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फरमान पर ही चेचन लड़ाकों ने बुचा में नरसंहार को अंजाम दिया है। दावा किया जा रहा है कि बुचा के खूनी तांडव की पटकथा रमजान कादिरोव ने लिखी और उसे कुछ इस तरह चेचन लड़ाकों ने अंजाम तक पहुंचाया। यूक्रेन इंटेलिजेंस के मुताबिक बुचा में नरसंहार का ऑर्डर पुतिन की तरफ से आया। नरसंहार का ब्लूप्रिंट चेचन के रमजान कादिरोव ने तैयार किया। प्लान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रूस के लेफ्टिनेंट कर्नल अजात बेक ओमुरबेकोव को मिली। अजात बेक की अगुवाई में ही रूसी सेना के साथ मिल चेचन लड़ाकों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। बुचा को रूसी सेना ने जब खाली किया तो शहर की ऐसी तस्वीरें सामने आई। कार में लाश मिली, सड़क पर शव बिखरे हुए थे, गलियां लाशों से भरी हुई थी, गटर में आम नागरिकों के शव, बुचा में घरों में लाश का अंबार लगा था। बुचा के बेसमेंट से जो तस्वीरें बाहर आई वो क्रूरता की कहानी बयान कर रही थी। मृत लोगों के हाथ पीछे से बंधे हुए थे। यूक्रेन का दावा है बुचा में कई महिलाओं के बिना कपड़ों के शव मिले हैं, जिससे उनके साथ हैवानियत की आशंका भी जताई जा रही है। Зв'язували руки за спиною, бували пострілом в потилицю або в око, вбивали просто на вулицях. Давили військовою технікою цивільні автівки з людьми, гвалтували жінок,
і дівчат. І це тільки почалось розслідування. Ще зібрані не всі свідчення, ще виявлені не всі поховання, ще оглянуті не всі підвали. Підвали, в яких російські військові катували. Юкрейн ке мілітарі інтелігенс не дава кія, кі пуча ме хуй барбарта ку. Рус ке лефтенент карнел Азад Бек кі агуай ме хі анжам дія кія. Юкрейн мілітарі інтелігенс ке мутабик. Азад Бек Омур Беков, Рус кі сена ме лефтенент карнел. Азад Бек 64वें मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड का कमांडर है। 64वें मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड ने ही बुचा पर कब्जा जमाया था। बुचा यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। 24 फरवरी को जब रूस की सेना बेलारूस से कीव की तरफ बढ़ी तो कीव से पहले रूसी सेना का काफिला बुचा पहुंचा था, लेकिन बुचा में यूक्रेन की सेना ने कड़ी टक्कर दी। रेड आर्मी के तोप बख्तरबंद गाड़ियों को बीच रास्ते में ही तबाह कर दिया गया। बैटल ऑफ बुचा के शुरुआती दिनों में पुतिन की सेना को कितनी करारी शिकस्त मिली थी, उसकी गवाही बुचा में तबाह हुए रूसी टैंक आज भी दे रहे हैं। कितने हैवी यहां पर रूस के टैंक हैं, और ये देखिए यहां पर चप्पल पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि जब ये बर्बाद किए गए, जब इन पर हमला किया गया टैंकों पर, तो उन सैनिकों को भागने का भी मौका मिला और बहुत सारी कैजुअल्टी यहां पर आसपास हुई थी। तो अगर मेरे पीछे देखिए आप, जरा कमलदेव जी दिखाइए, टैंक नंबर वन, ये टैंक नंबर वन है जिसको यूक्रेन की सेना ने बर्बाद कर दिया। अब कमलदेव जी दूसरा टैंक दिखाइए, ये दूसरा टैंक है जिसको बर्बाद किया है यूक्रेन की फोर्स ने। उसके बाद तीसरा टैंक है, जरा तीसरे टैंक की तस्वीर दिखाइए, फिर चौथा टैंक है, और उसके बाद पाँचवा टैंक, फिर छठा टैंक, यानी लगभग आधा दर्जन टैंक यहाँ पर तबाह किए गए हैं। रूस की फोर्सेस के टैंकों को यूक्रेन ने तबाह किया है। बुचा की सड़कों पर बर्बाद हुए ये रूस के टैंक तस्वीरें बता रही हैं यहाँ रूस और यूक्रेन की सेना के बीच कितनी कड़ी टक्कर हुई थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी, दो आतंकियों के घिरे होने की खबर। त्राल में कल सेना ने ढेर किए थे दो आतंकी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अहम बैठक आज, पीएम आवास पर शाम को होगी बैठक। बढ़ती महंगाई को लेकर अहम मानी जा रही है बैठक। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने उतारी अपनी किलर स्क्वाड, ब्रिटेन खुफिया एजेंसी का दावा, यूक्रेन में तबाही मचा रहे किलर स्क्वाड के 1000 कमांडो। अंदर मैं आपको ले चल रहा हूं न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। देखिए किस तरह से बम गोले हथगोले बरसाए गए यहां पर, और चारों तरफ तबाही का आलम है, चारों तरफ तबाही का मंजर है। वॉर जोन में जहां कुछ दिन पहले तक लड़ाई हो रही थी, और किस तरह से यूक्रेन और रूस की सेनाएं आमने सामने थी। सख्त लहजे में आदेश देता सुनाई दिया, दावा है कि उसने युद्ध जीतने के रास्ते में आने वाले हर नागरिक को भी मार डालने का फरमान सुनाया। कहा जा रहा है कि रूसी सेना के कमांडरों के ऐसे ही आदेश के बाद यूक्रेन में कत्लेआम शुरू हो गया। बुचा, मारियुपोल जैसे शहरों में मासूम लोगों की लाशें बिछ गईं। आरोप तो ये भी है कि रूसी फौज ने बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। वहीं बुचा में हुए नरसंहार के बाद वहां राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है, जिसके लिए यूक्रेन की सेना के कुछ जवान मदद के लिए बुचा पहुंचे, जिनके सामने पूरी तरह से तहस नहस एक शहर मौजूद था। बर्बाद बिल्डिंगें, तबाह आशियाने और ध्वस्त हो चुकी दुकानों के सिवाय वहां कुछ भी नहीं बचा। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां चरमराए फौजी टैंक थे, और मैदानों में हथियारों का जखीरा। शहर का एक भी हिस्सा तबाही से अनछुआ नहीं दिखा। रिहायशी बस्तियों को देखकर ऐसा लगा मानो यहाँ कभी कोई रहता ही नहीं था। चारों तरफ रूसी हमले के निशान साफ साफ देखे गए। रूस पर नरसंहार का आरोप लगाने वाले यूक्रेन ने वहाँ मौजूद कुछ लाशों के जरिए इसका सबूत भी पेश किया। वहाँ मौजूद लोगों को शहर के हालात देखकर उस पर यकीन करना मुश्किल हो गया। हालांकि यूक्रेन के जवानों ने वहाँ राहत का काम तेज कर दिया, जिसके लिए वहां खाने पीने का सामान और दवाइयों की कई खेप पहुंच गई।
जिसकी खबर लगते ही कई दिनों से इसका इंतजार कर रहे लोग वहां इकट्ठा हो गए। यूक्रेन के साथ जंग में पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मारियुपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों पर बेरहमी से हमले कर रहे हैं, लेकिन अब तक वहां उनका कब्जा नहीं हो पाया है। अब कादिरोव के सबसे खास कमांडर सैदी लोरसांकेव को वहां फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी। साफ कर दिया कि कैसे भी हमला करो, कितनी भी तबाही मचाओ, इसकी परवाह नहीं। सिर्फ मारियुपोल रूस के हाथों में होना चाहिए। जिसके बाद चेचन लड़ाकों ने जंग के करीब एक महीने बाद मारियुपोल शहर के ज्यादातर बाहरी इलाकों पर कब्जा जमा लिया। उन्होंने रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों पर इतना जोरदार हमला बोला कि उनके पैर जमीन से उखड़ गए। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने दावा किया कि उन्होंने मारियुपोल के बड़े इलाके से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया। जबकि शहर के भीतर कादिरोव के लड़ाकों और यूक्रेन के सैनिकों के बीच भीषण जंग जारी है। वहां एक इलाके में चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी यूक्रेन की सेना पर बड़ा हमला करती नजर आई। एक लड़ाका मशीन गन से एक तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चलाता दिखाई दिया। और एक दूसरा चेचन लड़ाका इस हमले का वीडियो बनाता रहा। वहीं फायरिंग करने के बाद जोश में चिल्लाता कादिरोव का लड़ाका खुशी से नाचता भी नजर आया, क्योंकि उनके ऐसे भयानक हमलों ने यूक्रेन की सेना को मारियुपोल में ज्यादातर इलाकों से भागने को मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि इसके पीछे सैदी लोरसांकेव का दिमाग है। और पहली बार उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो चेचन लड़ाकों में यूक्रेन की सेना पर और भी भीषण हमले करने के लिए जोश भरता दिखाई दिया। सैदी लोरसांकेव बेहद खूंखार और बेरहम माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि अपने लीडर कादिरोव के एक इशारे पर ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। यही वजह है कि कादिरोव ने इसे मारियुपोल की एक एक इंच जमीन यूक्रेन के सैनिकों से छीन लेने का आदेश दिया, जिसके बाद सैदी लोरसांकेव आधुनिक हथियारों से लैस चेचन लड़ाकों को हमला करने की रणनीति समझाता नजर आया और वो भी अपने कमांडर की एक एक बात को गौर से सुनते दिखाई दिए। क्योंकि अब मारियुपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का आखिरी ऑपरेशन चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पूरे मारियुपोल पर उनका अधिकार होगा। उधर रूस की सेना ने डोनेस्क के पास यूक्रेन की सेना को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए। रूस का दावा है कि इस हमले में ज़ेलेंस्की की सेना को काफी नुकसान पहुंचा। और इसी हमले में पुतिन की सेना रॉकेट की बरसात करती दिखी। उसने आसमान का सीना चीर कर अपने दुश्मनों पर लगातार कई वार किए। वहां हुए इन हमलों के लिए खास तरह की सेना की गाड़ियों को लगाया गया, जिन्होंने मोर्चा संभाले में जरा भी देर नहीं लगाई। इसके बाद इन्हीं गाड़ियों के पिछले हिस्से से वहां रॉकेट की बौछार शुरू कर दी गई। एक के बाद एक आग उगलते रॉकेट अपने दुश्मनों के खेमे पर बरसते नजर आए। इन हमलों से कुछ देर के लिए वो मैदान धुएं से भर गया, लेकिन रूसी सेना का यह हमला तब भी जारी रहा। इस बीच यूक्रेन ने रूसी सेना के टैंकों के एक काफिले पर घात लगाकर किए हमले में उसका एक टैंक तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की ओर से जारी किया गया। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि हमला किस जगह हुआ, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें एक सड़क से गुजर रहे रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर यूक्रेन की सेना का एक टैंक घात लगाकर गोले दागते दिखाई दिया। इस दौरान रूसी सेना का एक टैंक उसके निशाने पर आ गया और जोरदार धमाके के बाद टैंक से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। आग की लपटें कम होते ही आसमान की ओर काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठता नजर आया। वहीं अचानक हुए इस हमले से रूसी सेना के काफिले में अफरा तफरी मच गई और खुद को बचाने के लिए उनके टैंकों ने ऐसी गोलाबारी शुरू कर दी मानो जंग पर बनी किसी फिल्म का सीन शुरू हो गया हो। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने कई इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ कर भगा दिया। उसने इस वीडियो में रूस की बर्बरता का भी जिक्र किया और साथ ही वो मंजर भी दिखाया जिसमें यूक्रेन के खूबसूरत शहर शमशान में बदले नजर आए। इसके अलावा उसने इस वीडियो में अपनी फौज की बहादुरी को भी सलाम किया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने उनके इलाके में मौत का खेल खेला, लेकिन उनके जवान अपने देश की सुरक्षा में डटे रहे। एक जगह पर रूसी सैनिकों के सरेंडर की तस्वीर भी नजर आई, तो वहीं कुछ रूसी सैनिकों के शव भी इसमें दिखाई दिए। दनादन बरसते गोलों और धमाकों से यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस की फौज के इरादे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। साथ ही ये ऐलान किया कि अब हमारे दिलों में डर की जगह बदले की आग ने ले ली है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें देती हैं। वहीं बुचा शहर में यूक्रेन के सैनिकों के हाथ रूसी हथियारों की बड़ी खेप लग गई है और इस शहर पर करीब एक महीने तक कब्जा।
रूस और यूक्रेन का युद्ध किस तरह से भीषण रूप अख्तियार कर चुका है, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप के बीच में यह तस्वीर नजर आ रही है। देखिए डोनेट्स्क में भीषण युद्ध जारी है। डोनेट्स्क की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां रूस की सेना और यूक्रेन की सेना आमने सामने, और ये आमने सामने की जो महाजंग है उससे जुड़ी यह तस्वीर आपके सामने। रूस की तरफ से रॉकेट लॉन्चर से भारी भरकम बमबारी किस तरह से की जा रही है देखिए, और एक दिन में 400 से ज्यादा गोले दागे जा रहे हैं। डोनेट्स्क में भारी तबाही का मंजर खौफनाक तरीके से सामने आ रहा है। यूक्रेनी सेना और रूसी सेना आमने सामने इस महाजंग में जुटी हुई है। संख्या में आम लोगों के कत्लेआम का आरोप लग रहा है। इस बीच रूस से जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक से कई आधुनिक टैंक मिले, जिससे यूक्रेन की सेना की ताकत बढ़ने का दावा किया गया। नेटो का सदस्य चेक रिपब्लिक पहला ऐसा देश है जिसने यूक्रेन को टैंक भेजे, जिन्हें ट्रेन के जरिए यूक्रेन की सीमा तक पहुंचाया गया, ताकि रूस के खिलाफ जारी जंग में यूक्रेन न केवल अपनी सुरक्षा कर सके बल्कि रूसी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सके। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को आधुनिक T-72M1 टैंक समेत कई बख्तरबंद गाड़ियां भी मदद के तौर पर भेजी। जंग की शुरुआत के बाद से नेटो के सदस्य देशों ने अब तक यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार और एंटी क्राफ्ट मिसाइलें दी हैं, जबकि किसी भी देश ने अब तक टैंक समेत बड़ी सैन्य गाड़ियां यूक्रेन को नहीं दी थी। उधर डॉनबास में यूक्रेन की फौज रूसी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुस्तैद दिखी। कई गांवों के पास यूक्रेन के सैनिक निगरानी करते नजर आए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें सड़कों पर यूक्रेन के जवान तैनात दिखे। यूक्रेन का दावा है कि रूसी फौज फिर डॉनबास के कई इलाकों पर कब्जे की तैयारी कर रही है। ऐसे में उनकी तरफ से भी जवाबी हमले की तैयारी तेज कर दी गई, ताकि अगर रूस आक्रमण करे तो उससे निपटा जा सके। करीब 1.5 महीने से जारी जंग से डॉनबास के लोग डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं रूस दोबारा बमबारी ना शुरू कर दे, इसलिए ज्यादातर लोग घरों में कैद हैं। लेकिन हमले के डर के बीच कुछ लोग घरों से बाहर निकले और टूटे पुल को पार करते दिखाई दिए। यही नहीं, कुछ अधिकारी भी साइकिल के साथ आसपास के इलाके की निगरानी करते नजर आए। इतना ही नहीं, रूसी हमले के डर से डोनेस्क और लुहांस्क के यूक्रेनी नेताओं ने लोगों से खतरे वाली जगह को छोड़ने की अपील भी की, जिसके बाद कई लोग अपनी कारों के साथ घर छोड़ते दिखाई दिए। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सभी सुरक्षित जगह पर पहुंचना चाहते थे। वहीं दावा है कि यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-125 नेवा के जरिए 2 दिन पहले रूस के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान सुखोई को ढेर कर दिया था। खास बात यह है कि एक घातक हथियार सोवियत संघ के दौर में बना था, जिसे अब रूस की सेना इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन यही एयर डिफेंस S-125 नेवा रूस के सुखोई लड़ाकू विमान का काल बन गया। दावा है कि 2 दिन पहले यूक्रेन के खार्किव में इसी ने रूसी विमान को पलक झपकते ही मार गिराया था। रूस के ताकतवर सुखोई विमान के जमीन पर गिरने की तस्वीरों ने सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया था। इस एंटी एयर मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन की सेना में 2020 में शामिल किया गया था। हालांकि यूक्रेन की सेना ने बाद में इसे और घातक बनाने के लिए इसमें कई बदलाव भी किए, जिसका नतीजा है कि इसने यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस को बड़ा झटका दिया। अब यही वजह है कि इसकी गिनती सबसे शक्तिशाली एंटी एयर मिसाइल सिस्टम में होती है, जो जमीन से हवा में मार करने की क्षमता रखता है, और कहा जाता है कि ये 40 किलोमीटर दूर से ही सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यही नहीं, ये मिसाइल सिस्टम आसमान से बम बरसाने वाले लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों को भी ढेर करने की काबिलियत रखता है। भले ही रूस ने इसे अपनी सेना से रिटायर कर दिया, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल अब भी किया जाता है। उधर यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट में रूस के दूतावास पर एक कार से हमला किया गया। इस हमले में कार ड्राइवर की मौत हो गई। लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दूतावास के गेट पर खड़ी एक कार से आग की लंबी लंबी लपटें उठती नजर आई, फिर इस आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि रूसी दूतावास के गेट से ये कार तेजी से टकराई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां वहां सायरन बजाते हुए पहुंच गई। फिर इन गाड़ियों ने रूस के दूतावास के बाहर मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक कार ड्राइवर की मौत हो चुकी थी। और यूक्रेन युद्ध के बीच रोमानिया की राजधानी में रूस दूतावास पर हुए इस हमले से वहां तनाव बढ़ गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इससे रूसी दूतावास के किसी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यूक्रेन युद्ध ने रूस और रोमानिया के रिश्तों में खटास ला दी है। रोमानिया युद्ध की शुरुआत से ही रूस के खिलाफ रहा है।
रोमानिया ने रूस के 10 राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया था। इन घटनाओं के बीच एक कार से उठती लपटों ने रूस को बोलने का और ज्यादा मौका दे दिया है। हालांकि रूसी दूतावास पहले ही रोमानिया में खतरे की आशंका जता चुका था, अब उसने इस मामले में भी साजिश की बात कही। यानी यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का पुतिन के नए गेम प्लान के बारे में बेहद संशयखेज दावा है। यूक्रेन का साफ कहना है कि रूस ने यूक्रेन में बुचा पार्ट टू करने की काली साजिश रची है और इसके लिए पुतिन की पलटन की जिस ब्रिगेड ने बुचा में हैवानियत की, सारे हदें पार की, उन्होंने उसी ब्रिगेड को इस बार फिर यूक्रेन में उतारने की चाल चली है। इसलिए यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा है कि जैसे यूक्रेन के बुचा से रूस की सेना के निकलने के बाद वहां की सड़क पर निहत्ते लोगों के शवों का ढेर देखने को मिला था, वैसा ही मंजर जल्द ही सामने आ सकता है और इस बार रूस के कत्लेआम का शिकार बन सकता है यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा खार्किव शहर। वो खार्किव जो कि यूक्रेन के उत्तर पूर्व में है और रूस के बॉर्डर से करीब 65 किलोमीटर दूर है। रूस की सेना ने फरवरी में जंग की शुरुआत से ही खार्किव में कहर ढाया हुआ है और यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस की नजर एक बार फिर खार्किव पर है और वो उस पर कब्जा जमाने की फिराक में है। मतलब यूक्रेन का सीधे सीधे कहना है कि रूस बाज आने वाला नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि जिस तरह से बूचा की भयानक तस्वीरें दुनिया ने देखी, वैसी ही तस्वीरें खार्किव से आ सकती हैं। यूक्रेन को इस बात की आशंका है कि रूस खार्किव को बूचा पार्ट टू बना सकता है। यूक्रेन का दावा है कि रूस जंग से लौटे अपने सैनिकों को आराम करने का अच्छा खासा वक्त देता है, लेकिन यूक्रेन में जीत पाने के लिए बेकरार पुतिन ने अपने क्रूर सैनिकों को फिर से मोर्चा संभालने का फरमान सुना दिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने कत्लेआम की कहानी, जो काली तारीख है, वो भी बता दी है। तारीख है 8 अप्रैल, यानी दो दिन बाद। यूक्रेन का दावा है कि बुचा में आम लोगों को मौत के घाट उतारने, बच्चों पर जुल्म ढाने और महिलाओं का बलात्कार करने के बाद रूस की ब्रिगेड 4 अप्रैल को बेलारूस के माजर शहर पहुंची थी।